नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 19 दिसंबर को वाम दलों के बिहार बंद से जो तस्वीरें सामने आई, जो खबरें सामने आई, उससे आरजेडी ने सबक लिया है। तोड़फोड़ आगजनी की तस्वीरें सामने आई थी 19 दिसंबर को, जो वाम दलों ने बिहार बंद बुलाया था, जिसमें वीआईपी पार्टी, जन अधिकार पार्टी भी शामिल हुई थी, तो उससे आरजेडी ने सबक लिया है। और आज आरजेडी सीए और एनआरसी को लेकर बिहार बंद बुलाया है आरजेडी ने, और उसमें उसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है आरजेडी की ओर से। अनुशासित तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से बिहार बंद होना चाहिए। आरजेडी अपना आंदोलन बेहद अनुशासित तरीके से चलाएगी, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेगी, कोई हिंसा, आगजनी या तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। आरजेडी की ओर से जो नेता हैं आलोक मेहता, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि एम्बुलेंस और अग्निशामक गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा, सौ वाहन को नहीं रोका जाएगा, दवा दुकानों को बंद नहीं कराया जाएगा, क्लिनिक को बंद नहीं कराया जाएगा, जांच घर को बंद नहीं कराया जाएगा। और इसको लेकर आरजेडी के कई बड़े नेताओं के बयान भी सामने आए हैं, महागठबंधन के दूसरे बड़े नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। तो आरजेडी ही नहीं, महागठबंधन के दूसरे नेता भी इस पक्ष में हैं कि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से बंद होना चाहिए। और 19 दिसंबर को जो तस्वीरें आईं, उससे महागठबंधन के दूसरे नेता भी सचेत हैं। देखिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने क्या कहा है और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है। हम सबों के कार्यकर्ता किसी भी रचनात्मक या उसी रचनात्मक कार्यों को दिशा देने के लिए कभी विरोध की भी आवश्यकता पड़ती है। आज भारत में जो सारी व्यग्रता है और लोग कहीं दिशाहीन होकर कहीं विद्रोह पर न चले जाएं, उसी को इस लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला है कि भीतर का आक्रोश व्यक्त करने का एक माध्यम है जुलूस, प्रदर्शन, बंद। ये बिहार बंद हम जो कर रहे हैं, ये जो भारत को बंद करने की जो और खंडित करने का लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए एक राह निकलेगी इससे। इसलिए सभी कार्यकर्ता जो समाजवादी आंदोलन के तप पहल हों, हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे छात्र हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो इसकी पीड़ा सबको भुगतना पड़ेगा। करीब आंदोलन हिंसक होता जा रहा है पूरे देश भर में, देख लीजिए। एक बात आप जान लें, हम लोग का आंदोलन तो हिंसक हो ही नहीं सकता, और जहां जहां हिंसा हुई है और जो वहां से तस्वीर आ रही है, ये डिजाइन है भारत सरकार का कि भीड़ के भीतर हिंसा पैदा करो और उसको प्रतिकार के लिए गोली चला करके लोगों को मार दो। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बिहार बंद का जो आयोजन था, काफी सफल कार्यक्रम हुआ। कल पुनः बिहार बंद का आयोजन राष्ट्रीय जनता दल की ओर से है। महागठबंधन ने उनका भी समर्थन किया है। कल के कार्यक्रम में हम लोग भी सड़क पर लोगों से अपील करने के लिए, आग्रह करने के लिए कि बंद में साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, कल उतरेंगे। कल जो बंद का कार्यक्रम हुआ, सामान्य तौर पे मेरा खुद का भी अनुभव है, दोनों तरफ से कुछ गलती होती है बंद के दौरान। एक तो कुछ लोग जानबूझकर वैसे लोगों को भेज देते हैं, ड्रेस बदलकर जो लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, और कुछ ऐसा उपद्रव करते हैं जिसके चलते पूरा आंदोलन बदनाम हो जाए। कुछ वास्तव में आजकल कोई भी राजनीतिक दल हो, गांधी जी के समय का न तो राजनीतिक दल है और न बाकी संस्थाएं, तो हम इसको भी स्वीकार करते हैं कि कुछ लोग राजनीतिक दलों में भी ऐसे होते हैं जिनको
तरह से क्या व्यवहार करना चाहिए इसकी जानकारी ठीक से नहीं होती है। और राजनीतिक दलों की बात हम करते हैं तो मैं अपनी पार्टी को भी उसमें शामिल करके बोल रहा हूं, किसी एक राजनीतिक दल के ऊपर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरी पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नादानी ना समझी गलती के कारण विरोधियों को मौका मिल जाता है यह कहने का कि देखिए किस तरह से इन लोगों ने ऐसा बर्ताव किया जैसा बर्ताव नहीं होना चाहिए था। तो दोनों तरफ से व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, हम लोगों ने भी पहले भी आंदोलन किया तो कुछ लोग जानबूझकर द्वेष भी दिए जाते हैं। कल का जो कार्यक्रम हुआ इसमें भी कुछ खबर मीडिया के माध्यम से आई कि कहीं कहीं इस तरह की घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। अब किस कारण से कहां घटना हुई अब तो अलग अलग जगह हम जांच का विषय हो सकता है, लेकिन हम कल जो वक्त होना है उसमें तमाम राजनीतिक दल जो भी इन्वॉल्व है सब लोगों से और खासकर मैं अपनी पार्टी के तमाम जिला जिला के जो कार्यकर्ता नेता साथी हैं उनसे भी अपील करता हूं कि अपनी ओर से पूरी नजर रखी जाए कि कहीं कोई उस तरह का व्यक्ति अगर दिखे कि बाहर का कोई उपद्रवी तत्व आकर हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश में लगा है तो उस पर भी सचेत हम लोग रहे, उस पर नजर रखी जाए। और अपना भी कोई साथी अगर कुछ गलत करने का प्रयास कर रहा है तो उस पर भी नियंत्रण रखने का प्रयास हो। तो तमाम राजनीतिक दल के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कल के बंद में हम लोगों को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आंदोलन बड़ा है। अब एक आध किसी के एक्शन जानबूझकर हो या अनजाने हो उसके चलते पूरा आंदोलन अगर बदनाम होता है तो यह ठीक नहीं। तो अब से थोड़ी देर बाद आरजेडी का बिहार बंद शुरू हो जाएगा। बिहार बंद में रालोसपा और दूसरी विपक्षी पार्टियां शामिल होंगी, आरजेडी की जो सहयोगी है, महागठबंधन के जो दूसरे सहयोगी हैं वो शामिल होंगे, लेकिन इस बंद में हिंसा और तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर आरजेडी की ओर से पहले एडवाइजरी जारी की गई है और महागठबंधन और आरजेडी के बड़े नेताओं की ओर से बयान भी सामने आया है। साफ लहजे में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है, चेताया है कि बिल्कुल अनुशासित तरीके से सब कुछ होना चाहिए, कोई भी तोड़फोड़ और हिंसा न हो। और ये आशंका भी जताई गई है आरजेडी की ओर से कि कुछ उपद्रवी तत्व घुस सकते हैं और इसको हिंसक रूप दे सकते हैं इस आंदोलन को, इसलिए इससे भी सचेत रहने की जरूरत है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।